कृष्ण की नगरी मथुरा में ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान के बाद पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में भी हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज, उनसे जुड़ी 5 जगह घोषित होंगी राष्ट्रीय धरोहरें। और एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लेने के बाद क्यों छोड़ा गया, देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र की बात। 6 दिसंबर को लेकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कान्हा की नगरी को कुछ दिन पहले से ही छावनी में बदल दिया गया है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के 2000 से ज्यादा जवान तैनात है। 7 दिसंबर तक श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। यूपी के अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन की ओर से पूरे अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुफिया विभाग की टीम भी अलर्ट पर है। रविवार शाम से ही सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। आरजेडी ने आज बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाने का ऐलान किया है। पटना प्रदेश कार्यालय में आज बाबरी मस्जिद शहादत दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस का भी कार्यक्रम होगा। आयोजनों की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे। पार्टी नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेज दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी 7 दिसंबर को 3 बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर में खाद कारखाना एम्स और आरएमआरसी हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। इससे पूर्वी यूपी के लोगों को रोजगार के साथ साथ सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा पीएम 18 दिसंबर को यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली को आज राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पीएम मोदी बाबा साहब से जुड़े देश के 5 स्थानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। इसमें महू भी शामिल है। पीएम दिल्ली से वर्चुअल तरीके से देश को संबोधित कर इसका ऐलान करेंगे। आज केंद्र सरकार और किसानों की बनाई 5 सदस्य कमेटी के बीच बैठक हो सकती है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर से निहंग जत्थेबंदियों का हटना शुरू हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उम्मीद जताई है कि 7 दिसंबर से पहले केंद्र सरकार बातचीत कर बाकी सभी मुद्दों का समाधान करेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने का संकेत दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार आज बैंकों के निजीकरण संबंधी बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। बिल आने से पहले ही राकेश टिकैत ने आंदोलन का संकेत दे दिया है। फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के चलते रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया। ईडी ने जैकलिन से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। ईडी जैकलिन को फिर से समन भेजेगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ उगाही मामले में जैकलिन से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। सुकेश ने जैकलिन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दूसरे टेस्ट का आज 4था दिन है। टीम इंडिया जीत से 5 विकेट दूर है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 140 रन बनाए हैं। कीवी टीम अब भी विशाल लक्ष्य से 400 रन पीछे है। दूसरी पारी में अश्विन ने 3 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिए। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 276 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।